हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल नंबर से कैसे वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका चैनल वेरीफाई रहेगा तो आप अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल लगा सकते हो, जो पोस्टर होता है वो, और दूसरी बात आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और तीसरी बात कि आप 15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो डाल सकते हो। अगर वेरीफाई नहीं रहेगा तो अपने यूट्यूब चैनल पर आप 15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं डाल सकते। चौथी बात, आपका चैनल मोनेटाइज होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपका चैनल वेरीफाई रहेगा। तो अगर आपका नया चैनल है तो आपको 100% वेरीफाई आपका चैनल को कर लेना चाहिए। उसको कैसे करना है, चलिए हम आपको आते हैं अपने फोन स्क्रीन पर और आपको बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करने के लिए अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है YouTube.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपका YouTube क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, तो आपको ऊपर की ओर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है देखने को। तो सिंपल से आपको इस 3 डॉट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे तो आपको नीचे की ओर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का। तो सिंपल से इसमें क्लिक कर देना है डेस्कटॉप साइट में। जैसे आप डेस्कटॉप साइट में क्लिक करोगे तो कंप्यूटर जैसा आपके फ़ोन में यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो सिंपल से आपको अपने चैनल के लोगों पर जाना है, जो कि यहाँ है कोने में। तो सिंपल से उस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो योर चैनल का ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे योर चैनल के पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, तो कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका वाइट स्टूडियो खुल जाएगा डेस्कटॉप साइट में। तो थोड़ा देर वेट, जैसे आप देख सकते हो वाइट स्टूडियो हमारा खुल चुका है डेस्कटॉप साइट में। तो आपको नीचे की ओर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे कोने में है। तो सिंपल से मैं आपको जूम करके आपको दिखाई दे रहा हूँ नीचे की ओर। आपको नीचे की ओर आ जाना है और जूम कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरे नंबर में चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ये दूसरा वाला है। तो सिंपल से आपको इस चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको 3 सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको ये वाला सबसे यहाँ नीचे फीचर एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर में इंटरमीडिएट फ्यूचर है का ऑप्शन है, तो सिंपल से आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर किस कहाँ पे क्लिक करना है सो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल से इस एरो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इस एरो पे क्लिक करके मैं अपना करके रखा हूँ, और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, जैसा कि मैं अपना डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। और आपको ऊपर की ओर मिल जाता है यहाँ पे, अगर मैसेज से अपना कोड लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट में वेरिफिकेशन कोड, अगर कॉल से लेना चाहते हैं तो कॉल भी विथ एन ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज। तो मैं अपना मैसेज से ही कोड लेना चाहता हूँ। तो सिंपल से गेट कोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर मैसेज में आ जाएगा। तो मेरा आ चुका है, मैं अपना डाल देता हूँ कोड। के बाद कोड डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपल से इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हम थंबनेल भी लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार समझ सकते हो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाल वाला बटन दबाकर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।